हे गाइस, बॉडी बिल्डिंग अपडेटेड में आप सभी लोगों का स्वागत है। एंड बॉडी बिल्डिंग की दुनिया से जुड़े बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग एंड लेटेस्ट अपडेट लेके मैं आप सभी लोगों के लिए आ चुका हूँ। तो चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन जो है वो ऑल पे प्रेस कर लेना। एंड नाउ तो बढ़ते हैं आज का अपनी पहली अपडेट की तरफ, जिस पर हम लोग बात करने वाले हैं कि जो जोन भाई के बारे में। तो कि जो जोन भाई की साइड से उनकी जो प्रेजेंट टाइम की फिजिक अपडेट है वो कहीं वो शेयर करते हैं, जिसमें कि आप लोग मैं बताना चाहूँगा कि वो काफ़ी इम्प्रेसिव साइज के अंदर हम लोग को नज़र आते हैं। एंड यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। एंड ऑल्सो गाइज, जैसे कि मैंने आप लोग को अपनी प्रीवियस वीडियो के अंदर बता चुका हूँ कि वो जो है वो दिल्ली प्रो शो को खेलने का प्लान कर रहे हैं, यानी कि वो कॉम्पीट कर सकते हैं दिल्ली प्रो शो। जी हाँ गाइज, एंड डेफिनेटली अगर वो दिल्ली प्रो शो कॉम्पीट करने आते हैं तो गारंटी से भाई स्टेज पर तबाही मचाने वाले हैं। बाद बाकी देखना तो ये इंटरेस्टिंग होगा कि आखिरकार वो ऐसा करते हैं या फिर नहीं। बाद की आप लोग को ये वाला जो उनका फिजिक अपडेट था वो कैसा लगा डेफिनेटली मुझे कमेंट करके आप लोग बता सकते हो। वेल, अब पढ़ते हैं गाइस आज को अपनी नेक्स्ट अपडेट की तरफ, जिस पर हम लोग बात करने वाले हैं रवि चौधरी भाई के बारे में। तो रवि चौधरी भाई की भी साइड से उनकी जो गाइस फिजिक अपडेट है वो गाइस शेयर की गई है। हालांकि मुझको ये कंफर्म नहीं है कि उनकी रिसेंट की अपडेट है या फिर कुछ टाइम पुरानी की, बट जैसे उन्होंने कैप्शन डाला था वैसे लगता तो ये है कि उनकी ये रिसेंट की अपडेट है। एंड यहाँ पे वो बैक का अपडेट अपने शेयर करते हैं, जिसमें कि कितनी ज़्यादा डिसेंट बैक आप लोगों को नज़र आएगी और कितनी ज़्यादा डिटेलिंग के साथ में उनकी जो बैक है वो कहीं नज़र आएगी। लिटरली काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेसिव बैक अभी उनकी नज़र आ रही है। हालांकि बैक तो उनका हमेशा से एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट रहा है, लेकिन लिटरली उन्होंने और भी ज़्यादा मेहनत करी है और भी ज़्यादा इम्प्रूव कर लिया है खुद को। वेल, अब देखते हैं कि भाई अपने नेक्स्ट शो के अंदर क्या ये प्रोकार्ड जीत पाते हैं या फिर नहीं। डेफिनेटली मुझे तो लगता है भाई ऐसी फिजिक्स के साथ में तो प्रोकार्ड उनको जीत ही जाना चाहिए। वेल, देखते हैं क्या होता है नेक्स्ट शो के साथ। एंड जैसे कुछ और अपडेट्स आती हैं इनकी साइड से तो डेफिनेटली मैं आप लोग के साथ में शेयर कर दूंगा। एंड नाउ गाइस, अब बढ़ते हैं आज को अपनी सबसे बड़ी अपडेट एंड न्यूज़ की तरफ, जो कि हम लोग बात करने वाले हेमंत अंग्रेज एंड साहिल खान के बारे में। तो गाइस, इन्होंने ये कन्फर्म कर दिया कि इनका एक नया इंटरनेशनल शो आ रहा है। जी हाँ गाइस, एंड मोस्ट प्रॉबली चांस है कि वो एक IABB शो ही बना सकते हैं या फिर लेके आ सकते हैं। एंड क्या कुछ गाइस उन्होंने कहा है इनके अपने नेक्स्ट शो या अपकमिंग शो के रिगार्डिंग। वेल, आप लोग साहिल खान एंड सेरू अंग्रेज से ही खुद ही सुन लीजिए। हेलो एवरीवन, आई एम हेमंत अंग्रेज विद साहिल खान, माय ब्रदर, एवरीवन नोज हिम। एंड वी आर ब्रिंगिंग अ वेरी गुड न्यूज़ फॉर इंडियन एथलीट्स, विच विल गिव देम एन इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म एंड करियर रिस्पेक्ट एंड फाइनेंशियल असिस्टेंट इन आवर ओन कंट्री इंडिया। जो हमारा ड्रीम है कि हम अपने एथलीट्स को इंटरनेशनल स्टेज पे लेकर जाएं, वो बहुत जल्दी हम अनाउंस करने लगे हैं, समथिंग वेरी बिग फॉर आवर इंडियन एथलीट्स, तो स्टे ट्यून्ड। सो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हेमंत अंग्रेज ने हिस्टोरिक चीज़ें की हैं हिंदुस्तान में, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे बड़े से बड़े इंडिया के, वर्ल्ड के एथलीट्स को लेकर आए इंडिया, और किस तरह से इन्होंने इंडियन एथलीट को सपोर्ट किया। आज इस वीडियो के माध्यम से, इस न्यूज़ से हम लोग इंडियन एथलीट के लिए न्यूज़ ला रहे हैं, जो बहुत जल्द एक बड़ा सा गुड न्यूज़ आएगा और इंडियन एथलीट को पैसा, करियर और इंडिया को ऑनर करने का मौका मिलेगा। बहुत जल्द एक बड़ी गुड न्यूज़ आने वाली है, समथिंग बिग इज़ कमिंग, स्टे ट्यून्ड। थैंक यू। एंड नाउ गाइस, अब बढ़ते हैं आज को अपनी नेक्स्ट अपडेट की तरफ, जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं कुछ इंटरनेशनल बॉडी बिल्डर्स एंड उनकी न्यूज़ रिगार्डिंग, जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं रुवेल मस्कुरा के बारे में। तो रुवेल मस्कुरा की साइड से उनकी तो गाइस प्रेजेंट टाइम की फिजिक अपडेट जो है वो गाइस शेयर की गई है। हालांकि वो अपना करंट फुल अपडेट तो शेयर नहीं करते, लेकिन यहाँ पे गाइस आप लोग देख सकते हो उनके जो क्वाड्स हैं लिटरली काफ़ी ज़्यादा ह्यूज लग रहे हैं, एंड ह्यूज ही नहीं बल्कि काफ़ी अच्छे एंड इम्प्रेसिव साइज़ के अंदर नज़र आ रहे हैं, जैसे कि अभी आप लोग देख सकते हो। एंड गाइस, इसका मतलब ये है कि रुवेल मस्कुरा, जो कि उनको बोला जाता था कि इनके ऊपर इनको खुद भी अपनी फिजिक पर कंट्रोल नहीं है, उनकी जो फिजिक है वो इतनी ज़्यादा बैलेंस नहीं है, तो अब गाइस वो जो है वो अपनी फिजिक पर भाई कंट्रोल करते जा रहे हैं एंड उनकी जो फिजिक है वो एक बैलेंस फिजिक होती जा रही है। एंड डेफिनेटली आने वाले टाइम में
रिवर मस्कुलर बॉडी बिल्डिंग एंड ओपन कैटेगरी के अंदर काफ़ी बड़े थ्रेड बनने वाले हैं। वेल, आप लोग क्या लगता है, आप लोग मुझे कमेंट करके बताना। एंड नाउ गाइस, अब बढ़ते हैं आज को अपनी नेक्स्ट अपडेट की तरफ, जो कि आर्नो क्लासिक में सबसे बड़ी राइवलरी होने वाली है, जो कि है सैमसंग दौदा वर्सेस हार्दिक चुपैन जी। हाँ गाइस, एंड उसके रिगार्डिंग सैमसंग दौदा का भी जो प्रेजेंट टाइम का फिजिक अपडेट है वो गाइस आउट हो गया है। एंड यहाँ पे आप लोग देख सकते हो भाई, क्वाड्स, अपर बॉडी लिटरली काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेसिव लग रहे हैं अभी सैमसंग दौदा। एंड गाइस, जैसे कि आप लोग को मैंने कल की वीडियो में हार्दिक चुपैन का भी अपडेट दिखाया था, तो वो भी कहीं पीछे नहीं रहने वाले। एंड देखना तो ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा कि आखिरकार कौन बाजी मारता है आर्नो क्लासिक के अंदर। आप लोग क्या लगता है कमेंट करके बताना। बात बाकी सो गाइस, आज की इस वीडियो में तो सिर्फ इतनी अपडेट्स थे। अगर चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जो है वो ऑल पर प्रेस कर लेना। एंड मैं मिलता हूं आप सब लोगों से नेक्स्ट वीडियो के साथ में। तब तक के लिए बाय गाइस, एंड टेक केयर ऑल।